लगता है जहाँ पर आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है सिर्फ वही कॉरपोरेशन एरिया है और रेल पार तो जैसे पंचायत एरिया है। वोट के नाम पर एक वक्त का खाना और एक किलो दाल चावल देना बंद करें, अगर कुछ देना है तो विकास करें। ये बातें आज एसएम मुस्तफा ने कही। इन्हीं सब बातों को लेकर आसनसोल नॉर्थ कांग्रेस की तरफ से गारुई नदी की सफाई, आरसीएस सेंटर दोबारा खोलने की मांग और रेल पार इलाके की तरक्की की मांग पे आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डिपुटेशन दिया गया। साथ ही साथ कॉरपोरेशन के गेट के सामने एहतजाज का मुजाहिरा किया गया। इस दौरान प्रसन्नजीत पोटंडी ने एहतजाज करते हुए कहा कि मैं कॉरपोरेशन के गेट के सामने खड़ा होकर कहना चाहूँगा कि गारुई नदी की ज़मीन पर साबिक काउंसिलर और आज़ाद काउंसिलर के जो फ्लैट और मैरिज हॉल बने हुए हैं, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के तकरीबन 20 पार्टी ऑफिस बने हुए हैं, उसे तोड़कर अगले 7 दिनों में रेल पार्क विकास के कामों को शुरू किया जाए, वरना हम लोग फिर से इसी तरह कॉरपोरेशन के सामने एक बड़ा एहतजाज करेंगे। बहुत दुख के साथ आज हम लोग का यहाँ पर आना पड़ा, जिसको हम लोग आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं और जहाँ पर हम लोग रहते हैं ऐसा लगता है कि वो आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये वाला है, जहाँ हम लोग रहते हैं वो पंचायत इलाका है। तो हम लोग ये दावी रखने के लिए आए, जो हॉस्पिटल के पास में जो इलाका है कचरा कीचड़ से भरा हुआ रहता है, गर्मी के दिन गड्ढा रहता है, हमारी माँ और बहनें निकल नहीं सकती, चल नहीं सकती बाजार हाट करने के लिए। दूसरा दावी हम लोगों का है जो ओके रोड और बाबू तालाब का जो रोड है, जो बीसी राय रोड से जोड़ता है, जो मेन रोड से बाईपास जाने का रास्ता होता है, वो दोनों रोड इतना डैमेज है, वहाँ बाढ़ पानी नहीं आया है ना पानी आया है, मगर रोड इतना ही खराब है कि लोग अपने घरों से निकल निकल कर ईटा और बालू भर रहे हैं, तब गाड़ी वाली चलने आदमी चलने का रास्ता हो रहा है। तीसरा है जो गुराई नदी, जो हम लोग अगला बार कॉर्पोरेशन हमारे कुरवार भाई काउंसिलर थे कांग्रेस के, तो हम लोगों ने नदी से साफ सफाई करा कर कर करके गार्बेज को हम लोग बाहर निकाल करके फेंका था, मगर अफसोस है नदी का सफाई होने के अलावा वो अपने सहूलत के लिए गार्बेज उसी किनारे रख दिया, मलबा उसी किनारे रख दिया, मलबा हटाए रहे, जिसके कारण से बाढ़ पानी नदी में तैरा। चौथा हम लोग का बात है मुसद्दी मोहल्ला सिद्दीक ब्रिज के पास में जो ड्रेन है, वो ड्रेन हमेशा जाम रहता है, हमारे चेयरपर्सन साकिर भाई और ताहिर भाई गए थे देख कर के आए, वो अगर साफ सफाई हो जाए ये रेल पार का इलाका हमको नहीं लगता है कि सिर्फ इसको वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको काम मांगने के लिए आता है तो इसको एक किलो चावल और एक टन का खाना दे करके ये समझता है कि यही उन्नयन है और यही तरक्की है। लोगों को ये चावल एक किलो देना बंद करो और एक टन का खाना देना बंद करो। ये इलाका दलितर इलाका नहीं है, जो आप लोगों को दौड़ाते हैं और दौड़ा करके लोगों को पार्टीबाजी करते हैं, बुड़बक बनाते हैं। लोगों को काम चाहिए, लोगों को साधन चाहिए। हम ये अपील करते हैं कॉरपोरेशन से कि कॉरपोरेशन अपना काम करे और मंत्री जी को भी आश्वासन यह कॉरपोरेशन के द्वारा देना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज का मांग करिए, कल कारखाना का मांग करिए, ताकि लोग काम करें और जब काम करेंगे नौकरी होगा तो हम लोग इलाके के लोग ऐसे बहुत से 500 लोगों को खाना खिला पाएंगे। तो ये राजनीति बंद करना होगा। इलेक्शन का टाइम 98% वोट रेल पर इलाके से देकर करके आज यहाँ चाहे कॉरपोरेशन में जो लोग बैठे हुए हैं या जो मंत्री बने हुए हैं, ये रेल पर लोगों का देन है। अगर ये सोचेंगे कि इलेक्शन का टाइम आएगा और बहलावा करेंगे तो याद रखिएगा कि काट का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। हम लोग लात मारने के लिए भी जानते हैं, आज बात करने के लिए आए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब का हो सकता है कोई काम होगा, आज बड़ा बाबू हम लोग को रिसीव लिया तो हम लोग ये बोल दिए कि इसको हल्के में मत लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट डे में आएंगे। अगर इंक्वायरी करने के लिए 1 सप्ताह 10 दिन का वेट देखेंगे, अगर नहीं आएगा ये पूरा रोड हम लोग जाम कर देंगे और ये बता देंगे कि जातियों कांग्रेस आम आदमी के साथ कांधा से कांधा मिला करके लड़ाई लड़ने के लिए जानती है। क्योंकि जब आम आदमी परेशान होगा, जब आम आदमी का काम नहीं होगा और ये लोगों का व्हाट्सअप जो खेला खेल रहा है, जो लोग व्हाट्सअप में किसी के कहीं क्या बच्चा पैदा हो रहा है या कोई का मामला हो रहा है बधाई देना चाहिए, मगर इस तरह से चपलोसी व्हाट्सअप में चल रहा है वो भी आम आदमी देख रहा है कि वोट का टाइम में आता है तो बहुत लंबा लंबा बात बोलता है। ना आरसीएस का हालात ठीक है, ना रेल पार में उर्दू का जो हम लोग सेकंड लैंग्वेज दिया था वो भी ठीक ठाक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके ये वोट ले जाती है। ये राजनीति बंद करना होगा। बीजेपी को डरा डरा करके वोट अब रेल पार वाला देने वाला नहीं है, उन्नयन चाहिए, तरक्की चाहिए, यही बोलने के लिए हम लोग आसनसोल कॉर्पोरेशन में आए। विषय अपनारा जानें जे हमरा विगत एक बछर आगे थेके तखन एखाने मेयर साहेब छिलेन अन्यजन, उनी एखन जार्सी बदल करेछेन, किन्तु ओई चेयारे आमरा डेपुटेशन दिएछिलाम आसानसोलेर समस्त ड्रेनेर परिष्कार, रास्ताघाटेर उन्नयन এবং গারুই নদীর
সাফায়ার জন্য আমরা ঘাগরবুড়ি মন্দির পর্যন্ত ডুবে যায় আমরা বলেছিলাম, কিন্তু এই বছরে গত বছর সেভাবে বৃষ্টি না হলেও এই বছর এক রাত্রের বৃষ্টিতে, টানা বৃষ্টিতে রেলপথ ডুবে গেছে এবং একটি ছেলের, ইঞ্জিনিয়ারিং করা ছেলের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। আমরা বলতে চাই, আমরা আরসিএইচ হসপিটালের আগের বছরের দাবি উঠেছিলাম, তখন 50 লাখের ঘোষণা হয়ে গেছিল, 50 টাকাও আজ পর্যন্ত সেখানে কোনো কাজে লাগেনি। আমরা হাজি কদম রসুল স্কুলের নতুন বিল্ডিংয়ের জন্য আওয়াজ তুলেছিলাম, সটাসট ঢালাই হলো, রং হলো, নীল সাদা রং হয়ে গেল, কোনো স্কুলের বেঞ্চ পর্যন্ত একটা ওখানে পৌঁছায়নি। মানুষকে রেল পার্কে কত টুপি দেওয়া হবে, রেল পারের লোকের কাছে ভোটের বেলায় আগে ট্যাক্সের জন্য আসানসোলের অন্য এলাকায় যেভাবে ট্যাক্স নেওয়া হয়, রেলপার থেকেও সেইভাবে ট্যাক্স নেওয়া হয়, কিন্তু রেলপারের মানুষকে উন্নয়নের সময় খালি ধোকা দেওয়া হয়, আর ভোট নেবার সময় বিজেপির জুজু দেখিয়ে 100% ভোট রেলপার থেকে নিয়ে মন্ত্রিসভায় গিয়ে উনি পৌঁছান। উনি মন্ত্রী হবার পর এইবারে বলেছেন, রবীন্দ্রনগরে আমরা সংবাদ মাধ্যমে দেখেছি যে বিভিন্ন জমি মাফিয়ার এগেনস্ট এবং যারা জমি দখল করে আছে তাদের এগেনস্টে উনি কড়া পদক্ষেপ করবেন। আমরা এই কর্পোরেশনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, আসানসোল কর্পোরেশনের 2015 থেকে 2020 তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত কাউন্সিলর যার এই গালুই নদীর জমি দখল করে ফ্ল্যাট আছে এবং একজন নির্দল জিতেছিল, তারও ম্যারেজ হল আছে, অবিলম্বে সেগুলিকে ভেঙে এবং কমসে কম 20খানা তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস হয়ে আছে সেগুলিকে ভেঙে নদী সাফাই করা হোক, নদী চওড়া করা হোক, আগামী দিনে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে এবং 25 নম্বর ওয়ার্ড, 28 নম্বর ওয়ার্ড, 26 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ যেভাবে এই এক রাত্রের বৃষ্টিতে ঘর ভেসে যায়, তারা খালি চিড়ে গুড় আর কলার লোভে নয়, ভোট নিতে গেলে মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন, স্কুল বানান, হসপিটালটাকে করুন, আর ওখানে যেটা আমাদের মূল দাবি নদী পরিষ্কার অবিলম্বে করতে হবে, এই দাবি নিয়ে আজকে আমরা এখানে এসেছি। যদি না হয় আমরা আগামী দিনে, আজকে কথা দিয়ে যাচ্ছি 7-10 দিনের মধ্যে যদি কাজ শুরু না এগোয় আমরা আগামী দিনে কর্পোরেশনের বাইরে মঞ্চ বেঁধে আমরা ধর্নায় বসে যাব, যতক্ষণ পর্যন্ত না কাজ শুরু হবে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা এখানে বসে থাকবে, কাজ শুরু হবে তবে আমরা উঠব, এইটুকু জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। আগামী দিনে এই লড়াই আরও চলবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জি। আর কিছু বাদ रानीगंज के पीएन मालिया रोड इलाके में मौजूद बिस्किट के एक डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर और गोदाम को चोरों ने अपना निशाना बनाया। गोदाम के मालिक सुदीप्त रॉय ने जानकारी देते हुए कहा कि आज सुबह जब इनके मुलाजिम दफ्तर पहुंचे तो देखा दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है। इसके बाद जब वो लोग दुकान के अंदर गए तो देखा कि गोदाम के दरवाजे की कुंडी तक को उखाड़ लिया गया है। इस सिलसिले में सुदीप्त रॉय ने कहा कि अब स्टॉक चेक करने के बाद ही चोरी हुए सामान की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इनके दफ्तर की अलमारी को तोड़ दिया गया और इसमें रखे नकद को चोरी कर लिया गया। सकाल 8:30 समय আমার ছেলেরা আসে, এসে দেখে দরজাটা খোলা, খোলা মানে ভিতর থেকে চাপা আর কি, তো ওরা খেয়াল করেনি কি তালা নাই, ঢুকে দেখছে কোনো আওয়াজ নেই ভিতরে, তারপরে ওরা খেয়াল করে দেখে কি তালা ব্রেক করে ঢুকেছে, ফার্স্ট ইয়ে নোটিস করলো এটা। তারপরে যখনই ঢুকে দেখে যে নিচের আমাদের যেখানে গোডাউন আছে তালাগুলো একদম মানে মানে তালা না ভেঙে একদম মানে ইয়ে শুদ্ধ উঠিয়ে চলে আসছে। তারপরে নিচে এখন গোডাউনে কি করেছে ওটা দেখুন, স্টক অ্যাসেস না করলে কিছু বোঝা সম্ভব নয় কত টাকা লস হয়েছে আমার, এক নম্বর। দু নম্বর উপরে এসে আমাদের যেটা অফিস আছে এটা এখানে অফিসের দাঁড়িয়ে আছে, ওইখানে এসে আমাদের যে অফিসে যেখানে কাজকর্ম হয় সেখানে ক্যাশ ট্যাশ রাখা থাকে, ক্যাশ চেক পার্টি যেটা চেক দেয়, দেওয়ার পরে এই আলমারি ব্রেক করে নিয়ে চলে গেছে, আলমারিটা ব্রেক করে দিচ্ছে একদম, মানে দেখাতে পারি এই যে একদম ব্রেক করা এটা। আচ্ছা, আলমারি কত ক্যাশ আর চেক মিলিয়ে টোটাল কত ইয়ে হচ্ছে? আমি মোটামুটি অ্যারাউন্ড ওই 260-270 ধরুন মোটামুটি। দেখুন ওইটা সবটাই আমি মানে আন্দাজের ভিত্তিতে বলছি, এখন কি আছে আমরা এখন কিছু হাত দিইনি, যতক্ষণ না পুলিশ আসছে, পুলিশ আসার পরে আমরা কম্পিউটার ওপেন করে দেখব কত স্টক গেছে, স্টক তো অ্যাসেস না করলে বলা সম্ভবই নয়, আর মানে এমনকি ক্যাশটাও। আচ্ছা, কী মানে কী বিজনেস, মানে কী বিজনেস ইয়ে করেন? ব্রিটানিয়া ডিস্ট্রিবিউটর। ফার্মের নাম? শ্রীকৃষ্ণ ট্রেডার্স। আপনার নাম? সুদীপ্ত রায়।
चार दिन कबल ब्राकर एरिया के हाजी नबी नगर के रहने वाले सबूही अख्तर के घर हुए जमीन धसान की खबर पाकर इनसे मिलने पहुंची AIMIM पश्चिम बर्दवान जिले की टीम। इस मौके पर AIMIM के मकामी नेता दानिश अजीज ने कहा कि हम लोगों ने सबूही अख्तर और इनके पड़ोसियों से मुलाकात की और हमने जो भी बन सका हमने इनकी मदद की। इस धसान की वजह कर घर वाले और पड़ोसी काफ़ी डरे हुए हैं। दानिश अजीज ने कहा कि हम लोगों ने लोकल मिनिस्ट्री से भी अपील की है कि इस मसले पर गौर करें और इनकी मदद करें। हम ऑफिशियली बोल रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ पुलिस भी गई, सिर्फ और सिर्फ एक CPVF गए, वो लोग एक नोटिफाइड करके आए। अब वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, यही नहीं समझ में आ रहा है। वो तो उनका उन्होंने नहीं दिया उसको। एग्जैक्टली वही बात क्या पता है, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। नहीं, ये तो पुलिस की निगलिजेंसी है जो उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अगर वो आपकी नहीं कहेंगे, आप नहीं बोल सकते, मैं तो बोल सकता हूँ। पुलिस ने दो उचित क्षमता वो अपने उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन सर वो पूरा का पूरा जो आंगन है ना सर, मैंने अप्रोक्सीमेटली आपका एक बड़ा सा जगह आज पश्चिम बर्दवान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम हम लोग हाजी नबी नगर बढ़ाकर कुल्टी विधानसभा में एक घर धसान हुई थी सुबही अख्तर जी की आज से चार दिन पहले। तो आज हम लोग उनके घर आए थे, उनके घर आके उनका घर का जायजा भी लिया। उनके घर पे एक बड़ा सा धसान हुआ है, उस धसान के माध्यम से एक बड़ा सा होल हो गया है कम से कम 50 से 60 फीट का, जिसकी वजह से वो लोग वो पूरे परिवार दहशत में है। आसपास के भी कई घर क्रैक हुआ है, ये हैवी रेनफॉल जो हुआ था उसकी वजह से क्रैक हुआ है। तो आज मैं इनके परिवार से मिला, इन्हें सहानुभूति दिया, जो भी आर्थिक मदद की ज़रूरत थी वो दिया, जो भी इनको मेरे से हेल्प हुआ इनके लिए मैंने किया। मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट इनको देखें। और अभी थोड़ी देर पहले हमने BCCL के अधिकारियों से GM साहब से मेरी मीटिंग हुई इसी मैटर को लेकर, तो GM साहब ने आश्वासन दिया कि आने वाले 3-4 दिन में वो इसका एक सही सोल्यूशन निकाल देंगे। और इमीडिएटली उन्होंने एक सर्वे टीम रेडी किया है और वो सर्वे टीम अभी गई भी थी वहाँ पर, उन्होंने सर्वे भी कर लिया है और इमीडिएटली 4 दिनों के अंदर इनका हेल्प हो जाएगा। तो मैं पश्चिम बर्दवान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम हम सब मिलकर आज इस परिवार के साथ खड़े हैं, सबूही अख्तर जो हाजी नबी नगर कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बढ़ाकर स्टेशन रोड के पास में रहने वाली है। ये बहुत परेशान हाल थी, आज हम लोगों पूरी टीम इनके लिए इनके घर आए थे और उम्मीद करते हैं आने वाले दिन में इनके लिए कुछ अच्छा कर पाएं और भी अच्छा कर पाएं। आज जो हेल्प हुआ उनके लिए किया और आने वाले दिन में और भी कुछ अच्छा कर पाएं, इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पे आए थे। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाए लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान किंग ऑफ बिरयानी आसनसोल नियर बस्तीन बाजार। हमजा कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार कुरैसी मोहल्ला नियर ऑटो स्टैंड। सुरक्षा संस्था के तत्वाधान में कोरोना वॉरियर्स के रूप में रानीगंज के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और CBSE बोर्ड के 2 स्कूलों के प्रिंसिपल को सम्मानित किया गया। इस मौके पर तीनों कोरोना वॉरियर्स को उत्तरीय पहनाकर मोमेंटो के साथ सम्मानित किया गया। तंजीम के सदर सरदार दलजीत सिन्हा, सुनील गनेड़ीवाला और राजेश जिंदल ने बताया कि कोरोना के वक्त बहुत से लोगों ने आगे आकर समाज के लिए काम किया है। इनमें से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और स्कूल के ये प्रिंसिपल्स भी हैं जिन्हें हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया है, ताकि इससे लोगों को हौसला मिले और आगे भी ये लोग इसी तरह के काम करते रहें। ये तो बहुत एक वेरी प्रेशियस आज दिन है। क्या सुरक्षा जो कमेटी है रानीगंज की, उसके तरफ से मुझे दिया गया फ्रंट वॉरियर की अवार्ड आज। देखिए, ये फ्रंट वॉरियर मैं DAV रानीगंज लायंस JBMC की प्रिंसिपल हूँ, डॉक्टर सुचरिता चैटर्जी। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है,
इसी जीत के साथ जुड़ी हुई हैं मेरी ऑफिस स्टाफ, मेरी एंटायर टीचिंग स्टाफ और हमारी जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स जो ग्रुप डी है मेरे साथ। हम मुझे लगता है कि आप जब पहले वेव आए तब तो सिर्फ 2 वीक्स हम लोग वर्क फ्रॉम होम किए हैं, उसके बाद हर रोज ऑफिस स्टाफ, मेरे ग्रुप डी स्टाफ और मैं, और क्यों, इसमें तो मुझे करना ही था क्योंकि नहीं तो एजुकेशन सिस्टम तो रुक जाती। तो ये लगता है मेरी, ये तो इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी। और वंस अगेन ये सुरक्षा कमेटी, इन लोग इतने कुछ कर रहे हैं दिन रात, मैं तो देखती हूँ हर एक चैनल में भी, क्या इट्स रियली आई हैव नो वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन। मीन्स इधर से भी कुछ सीखना चाहिए, कैसे सभी के पास इन लोग रुके हैं, कुछ ना कुछ किए हैं, डे एंड नाइट सर्विस लगाए हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ वी मस्ट हैव सच कमिटीज लोकेटेड इन माने रानीगंज के तरह दूसरे सिटीज़ में भी, क्या इन लोग इतने अच्छे काम कर पाए और इनके साथ बराबर हम लोग को भी चलना है। थैंक यू वेरी मच। सर एक संदेश मैसेज दे दीजिए। सर देखिए अभी तो कोरोना का काम चल रहा है यहाँ पर, थोड़ा जो प्रकोप है वो थोड़ा कम हुआ है ठीक ही, लेकिन थर्ड वेव का आने का चांसेस भी ज़्यादा बढ़ चुका है, सब जगह स्टडी चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा जो सभी रानीगंज के वासी और पश्चिम बर्धमान के जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कहीं पर भी आए, सब एहतियात बरतें, सेफ्टी मेजर्स अपनाएं, सैनिटाइजेशन के बारे में मत भूलें, और रोज़ जब आप निकलेंगे बाहर आपके काम के सिलसिले में तो सैनिटाइजेशन, सेफ्टी, कोविड प्रोटोकॉल, डिस्टेंस मेंटेनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, जितना जो जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का वो सब आप मानिए, तब आप लोग सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। सर सुरक्षा संस्था की तरफ से कोरोना योद्धा का सुरक्षा संस्था के ऊपर मैं उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन लोग अवेयरनेस का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन भी जब बहुत ज़रूरत पड़ा था तब वो लोग दिए हैं, तो इसलिए उन लोग का काम और अच्छा हो ये मैं उन लोग को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बड़ा सम्मान है जो हमारे चेयरमैन साहब को आपने कोविड वॉरियर चुने हैं, क्योंकि शायद आप लोग को पता नहीं, मुझे पता है ये जो एक साल से ऊपर पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है इसमें हमारे चेयरमैन सर का कितना योगदान है। ये स्कूल को खास करके ये रानीगंज में जो इतना बड़ा स्कूल है, एसकेएस पब्लिक स्कूल है, इस स्कूल को चलाने के लिए कैसे वो सहयोग देते हैं, और इसमें भी वो खुद ट्रैवल करके आके सारे चीज़ का, वो बच्चे का खबर, पेरेंट्स का खबर, टीचर का खबर लेके सारे सभी तरफ से जो सहायता करके स्कूल को ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका एक सपना है रानीगंज के जो इस एरिया में एक अच्छा सा स्कूल खोले, और उन्होंने इस दृष्टि से स्कूल खोला था, और ये स्कूल खोल के ये एक क्वालिटी एजुकेशन जिसको बोलते हैं, और CBSE आज की डेट में जो इंडिया में CBSE छोड़ के तो बहुत ही मुश्किल होता है, ताकि स्पेशली जो नीट, JEE मेन ये सब में क्वालिफाई करना, तो इसको इनके लिए क्वालिटी एजुकेशन ये उनका दृष्टि है, उनका बहुत दूरदृष्टि है, ताकि स्कूल को आगे ले जाएं। रानीगंज सभी लोग का सपोर्ट चाहिए, और उन्होंने खुद अपना समय निकाल के ये SKS के लिए, खास करके मंगलपुर और रानीगंज के लिए उनका जो योगदान है ये सराहनीय है, और हम लोग भी थैंकफुल है जो ऐसे चेयरमैन सर हम लोग को मिला, और आप लोग को धन्यवाद सुरक्षा NGO और उनके प्रेसिडेंट सिंह साहब और बाकी जो पदाधिकारी उनको, जो आपने हमारे चेयरमैन साहब को चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद है, ताकि ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन सर ये मैंने आज जो मेमेंटो आप लोग से एक्सेप्ट किया, धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें। कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है।
स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।